من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل إياه تدعون से ज्यादा मुल्क हैसियत इख्तियार कर चुकी है। मुख्तलिफ जुबान वाले हजरात इशात तौहीद व सुन्नत के मिशन से मोहब्बत रखने वाले अफराद मौजूद हैं। हमारे लिए हिदायत का जरिया कैसे हैं, इनकलाब लाने का जरिया कैसे बन, एक खलवतगाह के अंदर थी की तरफ निकालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो रास्ता बनाया वो रास्ता कुरान ने ला करके रख दिया और वो मंजर फिर तमाम जहान ने देखा जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ पर खड़े होकर के ऐलान फरमाने लगे या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्ला
ये बात किसी खाने के अंदर नहीं रहे, ये किसी मकान के अंदर नहीं रहे, अब ये बात तमाम दुनिया के सामने रख दी गई है। कुरान करीम ने एक इनकलाब लाया, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के सामने ला करके खड़ा कर दिया, तमाम दुनिया के सामने ला करके उनको बयान करने के लिए, अल्लाह के तौहीद को सुनाने के लिए ला करके खड़ा कर दिया। अब एक दूसरा इनकलाब वाला रास्ता भी देख लीजिए, अल्लाह और मखलूक के दरमियान में एक रुकावट बनाने वालों ने कुछ रुकावटें बना दिए हैं। एक ने कहा था किसी जमाने के अंदर मैं ही रब हूँ, दूसरे ने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में मैं भी रब हूँ, एक और ने भी कहा था, एक और भी खड़ा हो गया था, लोग खड़े हो गए थे, रब के सामने रुकावट बनने लगे थे, लोगों के सामने इस बात का इजहार करते थे मुझसे मांगो मैं ही देने वाला हूँ, मेरे ऊपर ईमान ले आओ मैं भी जिंदगी और मुर्दा मुर्दा करने वाला हूँ, जिंदगी और मौत भी मेरे हाथ के अंदर है। लोग रुकावट बनते गए मखलूक और खालिक के दरमियान में, मखलूक और रब के दरमियान में, सिजदा मेरे रब का हक था, वो सिजदा मेरे रब के सामने नहीं हो रहा था, मांगना जिस रब से मांगना चाहिए था उससे मांगा नहीं जा रहा था, जिससे हुकूमत हो जिससे अपने ताल्लुक और दिल का उलूहियत के साथ होना चाहिए था वो रब लोग बुला गए थे, वो रब लोग छोड़ गए थे। मेरे रब ने आयत उतार करके मखलूक को अपने तरफ मुतवज्जे कर दिया, वकुम उदउनी लकुम, ए लोगो रब ने यह ऐलान फरमा दिया, मांगना है तो मुझसे मांगो, इबादत करनी है तो मेरे इबादत दीजिए, दस्ते सवाल उठा देना है वो इदा सअल अन्नी फइन्नी करीब, उजीबो दावत दाही इदा दानी फलियस्तजीबूली, मेरे रब ने बात वाजह कर दिए, काम भी आसान कर दिया, दर दर से निकाल करके एक दर के सामने सिजदरेस करने की दावत दे दी, मेरे रब ने बात बहुत आसान कर दिए, वक्त से बात निकाल करके तायुन वक्त से बात निकाल करके मखसूस और मुअय्यन वक्त से बात निकाल करके मेरे रब ने काम को आसान कर दिया। इजादानी जब भी मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, याद रखना पुकारना है तो सिर्फ मुझे पुकारोगे, मांगना है तो सिर्फ मुझसे ही मांगोगे, फिरौन का वासिता आ जाए तब भी टुकराना, नमरूद का वासिता आ जाए तब भी टुकराना, किसी पीर का वासिता आ जाए तब भी टुकरा देना। मेरे रब के कुरान ने एक इनकलाब का रास्ता ये दिखा दिया, खालिक और मखलूक के दरमियान में जितनी भी रुकावटें थी सारी मिटा दिए, जितनी रुकावटें थी वो सारे मिटा दिए, और एक और इनकलाब का रास्ता देख लीजिए, एक और बात सामने रख दे, लोग उखड़ उखड़ करके तकब्बुर करने लगे, खालिक बनने की कोशिश में लगे रहे, रब के उलूहियत वाली सिफात को लेने में लगे रहे। मेरे रब ने एक दो बातें याद रखना, तौहीद की दो बातें हैं, एक मेरे रब की तौहीद है, एक मखलूक की वहदत है। रब की तौहीद ये है कायनात के अंदर जितनी भी सिजदे हो वो सिर्फ और सिर्फ रब के सामने हो, और मखलूक जितनी भी हो जिस अंदाज से भी हो, चरिन हो के परिन हो, इंसान हो के हैवान हो, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अबदा, जितनी भी मखलूक है ऊपर है कि नीचे है, आसमान में है और कि जमीन में है, इंसान है और
के हैवान है, सबका मुश्तरका, सबके वहदत वाली, सबके एक वाली काम वो सिर्फ ये है कि अल्लाह आतिर रहमान अबदा, मखलूक सारे के सारे रब के सामने आजजी वाले बन जाएंगे, सारे के सारे मखलूक मेरे रब के सामने सजदरेज हों। ये अल्लाह ने बता दिया, ये तीन मैंने मुख्तसर बता दिए, वक्त कम है, मैं बात को आखिर तक ला करके ख़त्म करना चाहूँगा। एक और इनकलाब, वो ज़माना जो कुरान खुद इनकलाब है, वहाँ से लेकर के आज तक सारे इनकलाब के रास्ते कुरान करीम ने हमें दिखा दिए हैं, हमें सिखा दिए हैं, सारे कोल करके रख दिए हैं। मौजूदा दौर के अंदर एक नज़ारा आप हजरात के बड़ों ने भी देखा था, बुजुर्गों ने, जब रब के सामने फिर रुकावटें बनने लगी थी, रब के सामने रुकावटें आ गई थी, मखलूक रब की तरफ जाने लगी, मखलूक ने गोए के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाली सिफात को लेने की कोशिश कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशाअत व तौहीद व सुन्ना के मशायख किराम को, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर रहिमहुल्लाह, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहिमहुल्लाह, ये पूरी दास्तान, ये पूरी जमात खड़े हो गए और फिर से वो सबक मखलूक के सामने ला ला करके सुनाने लगे कि वो मखलूक याद रखना, तुम्हारा काम ये है कि सिजदा करना, और बंदगी का लायक है तो सिर्फ मेरा रब है, बंदगी का लायक है तो सिर्फ मेरा रब है। कुरान करीम ने ये बात बता दी थी, इशात तौहीद व सुन्ना वालों ने इस खिदमत का मिशन और बेड़ा उठा दिया। आज ये जम्मे गफीर इशात तौहीद व सुन्ना का हर है वर्कर जहाँ जहाँ पर वो मौजूद है, कुरान करीम को तामे हुए हैं, अल्लाह कलाम को दर्स देने में मशगूल और मसरूफ नजर आएंगे। यही वजह है कि अल्लाह ने इस जमात को खसूसियत यही आता कर दी, सिफत भी यही आता कर दी। कुरान आप उठाएंगे, दब्बा आपके ऊपर इशात तौहीद व सुन्नत वाला लग जाएगा। मैं अर्ज कर देता हूं, याद रखना, दाग है बदनुमा नहीं, दाग है गुस्ताखाना नहीं, दाग है खुशनुमा दाग है, दब्बा है बड़ा बेहतरीन दब्बा है। मुझे बदनाम किया जा रहा है कुरान करीम के जरिए से, मेरे ऊपर टप्पा लगाया जा रहा है कुरान करीम के दर्स के एतबार से, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम बयान करने से अगर आपकी यही कोशिश हो तो मेरी बड़ी इसके लिए खुश थी, हम भी इसके लिए तैयार हैं। इसलिए एक शेर कहकर के पर्ची सामने है, मैं इसको बयान करके बात खत्म कर देता हूँ। साहिब कुरान व बेज़ौके तलब, साहिब कुरान व बेज़ौके तलब, अल अजब सुम अल अजब सुम अल अजब, खुद बदलती नहीं कुरान को बदल देती है, खुद बदलती नहीं कुरान को बदल देती हैं। कितने हुए कैसे हुए वो फकीहान हरम बे तौफीक, वमा अलैना इल्लल बला।